यो व्हाट इज अप टेकी हेड्स। रुको मैं लाइटिंग थोड़ी बराबर करके आता हूं। सो अगेन यो व्हाट इज अप टेकी हेड्स। सो आज हम अनबॉक्स करने वाले GM 320 बाई एनटी स्पोर्ट्स। ये बहुत ही अच्छा बजट रेंज का माउस है। मैंने इसको तकरीबन 650 में लिया। मैंने सेल में नहीं लिया, आप सोच रहे होंगे ये फ्रीडम सेल में लिया होगा, लेकिन नहीं, उससे पहले मैंने 650 में ले लिया था। मतलब इसकी ऑलमोस्ट प्राइस 1000 या फिर उससे नीचे रह रही है, तो अंडर 1000 का माउस हम समझ लेते हैं इसको। तो अनबॉक्स करते हैं। वैसे मैंने अनबॉक्स कर लिया है, लेकिन थोड़ा पैक ऐसे मैंने करके निकाल लिया। तो अंदर से निकल जाता है अपना पन्नी में माउस, और ये माउस 8 बटन माउस है। और ये माउस पे हम बाद में आ जाते हैं और देख लेते हैं उसमें क्या है। तो सबसे पहले हमें ये उनका कुछ चिट्ठी मिलती है, बाद में हमें ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो हम पढ़ते नहीं। तो बॉक्स में भी बहुत सारी डिटेल्स दी हुई है, लेकिन हमें तो उनकी ज़रूरत नहीं है, फिर बॉक्स हमारे कोई काम का नहीं है। तो हम करेंगे इसको परफेक्ट। तो अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली माउस पे। तो मैं माउस को जल्दी से अपने पीसी के साथ कनेक्ट, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिया इसको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट। तो ये बेसिकली फुल्ली RGB माउस है, जिसके स्क्रोलर व्हील नीचे यहाँ पे साइड में सब जगह RGB है, और ज़्यादा इस माउस में ज़्यादा RGB की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हाथ से पूरा लाइक कवर ही हो जाता है आधा आधा। तो लेकिन जस्ट फॉर मोर FPS वी नीड RGB। समझ में आया क्या? सो इसका सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा है, मैं आपको क्विक लुक सॉफ्टवेयर का भी दे देता हूँ। तो इसका सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा लगता है, जिसमें यहाँ पे आप अपने कंट्रोल सेट कर सकते हैं, बाद में यहाँ पे मैक्रो है, मैक्रो आप सेट कर सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस, आपको क्या परफॉर्मेंस चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं, पोलिंग रेट, DPI कंट्रोल, बाद में लाइट कौन सी चाहिए, एम्बियंट चाहिए, कौन सा मतलब मोड चाहिए। मैंने एम लाइट सिलेक्ट किया है, जो मेरे हिसाब से डिफरेंट है। स्पीड आप सिलेक्ट कर सकते हो, और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सिमेट्री, वो सब भी कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग आपको मिल भी जाएंगे लाइक कैटेगरीज के। अभी गेमिंग, एक गेम के लिए अलग, दूसरी गेम के अलग, ऑफिस के लिए अलग, मीडिया के लिए अलग, और लाइट म्यूजिक के साथ लाइट हो वैसा भी है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप सब कर सकते हो, और यहाँ से अप्लाई करना होगा। तो यही था इसका बस सॉफ्टवेयर। तो हम फिर से आ जाते हैं माउस पर। तो ये माउस पे 8 प्रोग्रामेबल बटन्स है, तो हम तो 3 साइड पर मिल जाता है। ये रैपिड फायर, ये साइड क्लिक्स जो आप कस्टमाइज सारे ही कर सकते हो वैसे, बाद में एक में ये दोनों इधर, जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते, बस कुछ एकदम गिने चुने काम के लिए यूज़ होते हैं। स्क्रोलर व्हील भी क्लिकेबल है, और अपने लेफ्ट और राइट क्लिक डिसेंट है, साउंड इतना डिसेंट करते हैं मतलब। और इसमें अपना सेंसर लगा है, ऑप्टिकल सेंसर, क्योंकि इस प्राइस रेंज में ज़्यादा नहीं मिल पाएगा भाई, प्राइस भी ऐसी है। तो वैसे डिसेंट मैं बोलना चाहूँगा, ये प्राइस के हिसाब से लाइक बेस्ट माउस है। मैंने मेरा बजट ऑलमोस्ट था कितना, 2000 का। 2000 के बजट में मैं गया था ये, मैं 650 का लिया हूँ, पर मैं 2000 के बजट में एंटर हुआ, देख रहा था। मुझे कॉस्मिक वाइट का किलो नोवा पसंद आया, बाद में मैंने अर्गोनॉमिक्स को देख के बोला कि नहीं, अर्गोनॉमिक्स वाला माउस चाहिए। मैंने उसमें भी देखा तो लाइक ऑलमोस्ट सेम फीचर्स है, लेकिन कॉस्मिक वाइट का बहुत महंगा था, और मुझे एंटी स्पॉट का बहुत सस्ते मिल गया। तो लाइक इट इज़ अ ग्रेट चॉइस इफ़ यू गेट अंडर 1000 से ऊपर हो रही है तो मत लेना, 1000 से ज़्यादा में नहीं अच्छा है ये। मतलब अच्छा तो है, पर लाइक 1000 से ज़्यादा मैं पे नहीं करूँगा, क्योंकि इस पर 5-6 दिन में सेल लग रही है। मैंने अभी थोड़े दिन नोटिस किया है वो, और ये मैंने यूज़ करके भी देखा, तब के थ्रू आउट 5-6 दिन में चेंज होती रहती है। तो इसका बाय करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बस आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कुछ भी सवाल हो इस माउस के रिलेटेड,
अब मुझे पूछ लेना क्योंकि मुझे पता चल जाए कि बहुत प्रॉब्लम होती है खुद नया लेना हो तो, वो भी बजट में। तो बस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।